Today we will discuss how to design a multi-cubed bag reactor. It means आपके पास जो है एक रिएक्टर है, उसमें आपने तीन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. एक तो पैकिंग यूज़ की हुई है आपने, दूसरा उसमें मल्टी ट्यूब्स यूज़ की हुई हैं जिसके अंदर बैफल्स भी आप लगा सकते हैं. उसको जो है आप उसमें शेल होगा, शेल के अंदर ट्यूब्स होंगी, यानी आपने उसमें पैकिंग का भी इफेक्ट चेक करना है और मल्टी ट्यूब्स का भी इफेक्ट चेक करना है. और होगा आपका रिएक्टर, उसमें रिएक्शन भी हो रहा होगा, यानी आपका आप देखते हैं कि आपका रिएक्शन किस तरह होगा, उसमें हीट किस तरह जनरेट होगी और बाकी किस तरह उसमें प्रोसेस होंगे. तो इसकी सिलेक्शन के लिए आपके पास चार ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन ये है कि आप सिंगल बेड एडियाबेटिक ब्रेड सेलेक्ट करते हो, लेकिन ये सारी सिलेक्शन आपकी रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस पे होती हैं. अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो तब आपने इस तरफ आना है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब आपने कोई और सिलेक्शन करनी है, और आपके पास अगर मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं ठीक है, और तो उस केस में आपने फिर पैक्ड बेड रिएक्टर की तरफ जाना है, और आपने वहाँ पे मल्टी ट्यूब रिएक्टर में पैकिंग भी यूज़ करनी है और उनको मल्टीपल शेल्स एंड ट्यूब्स भी यूज़ करते हैं. तो इस तरह इस एक क्लासिफिकेशन है सिंगल एडियाबेटिक पैक. तो उसमें होगा क्या, सिंगल एडियाबेटिक पैक में उसकी यूज़ ये है कि आपने मॉडरेटली यानी लो टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नॉन इक्विलिब्रियम आपके पास प्रोसेस हो रहे हैं और इसको माइल्ड हाइड्रोजनेशन के लिए यूज कर रहे हैं. एक आपके पास एडियाबेटिक बेड है लेकिन उसमें सीरीज आपने लगा दिए, जैसे एक टेम्परेचर बढ़े उसको कूल कर लो, इंटरमीडिएट कूलिंग और हीटिंग, या आपको अगर टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो उसमें आप हीटर लगा देते हो, यानी टेम्परेचर कम चाहिए तो कूलर लगा दो, ज्यादा चाहिए तो हीटर लगा दो. तो इसकी हाई कन्वर्जन इससे मिलती है आपको और इक्विलिब्रियम इसमें लिमिटेड रिएक्शंस होते हैं. इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रो क्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और स्टायरीन को जो है थायल बेंजीन से प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस तरह अगर आपके पास मल्टी ट्यूबल रिएक्टर है जिसमें आपने शेल एंड ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन की होती है, यानी मल्टी ट्यूब्स हैं उसमें पैकिंग भी की हुई है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एक शेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होंगी, तो उसको हेल एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो कि आपके पास कंबशन रिएक्शन हैं, जैसे आपके पास पैरालिसिस रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपका 1000 क्रॉस कर रहा होता है, तो इसमें क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल और हाई सिलेक्टिविटी इसमें आप इंश्योर करते हो. तो इस केस में क्योंकि ये बायोमास पैरालिसिस की थी, हमने कंबशन करवाई थी, कंबशन रिएक्शन हो रहे थे, तो इस केस में हमने मल्टी ट्यूब शेल एंड ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है. इसका फ़ायदा क्या है, इसमें हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको इथाइलिन ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बाय मेथनॉल ऑक्सीडेशन इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आइसोमराइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जबकि एक और है डायरेक्ट फैट नॉन एडियाबेटिक रिएक्टर, उसमें आपने डायरेक्ट फायरिंग करनी है, उसमें आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर रिएक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टीम रिफॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, डिफरेंट यूजेज हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आपके रिएक्टर्स की. अब आपने अपने जो है रिएक्टेंट को देखते हुए, अपने रिएक्शंस जो हो रहा होता है उसको देखते हुए, या जो प्रोडक्ट्स बन रहा होता है उसको देखते हुए ये सिलेक्शन करनी होती है. इस केस में क्योंकि पैरालिसिस हो रही थी, कम्बशन हो रही थी, तो इस वजह से मल्टी ट्यूबुलर पैक बेड रिएक्टर सिलेक्ट किया गया है. तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी डायग्राम, ये मल्टी ट्यूबुलर पैक बेड रिएक्टर है. इसमें हमने मेथनॉल यहाँ पे दिया है बॉटम पे, हुआ क्या यहाँ पे ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बाद इसमें एक शेल लगा हुआ है, शेल के अंदर हमने ट्यूब्स इंसर्ट की हुई हैं, उसमें बैफल्स भी लगाई हुई हैं हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ाने के लिए, फ्लोरेट बढ़ाने के लिए, टर्बुलेंस बढ़ाने के लिए. हीट यहाँ से गैस, जहाँ से हीटिंग गैस आएगी उसका कंटेक्ट होगा. अब गैस जो है ना वो यहाँ से निकल जाएगी आराम से, और जो ऊपर जो है ना आपके पास हाइड्रोजन इनरिच गैस टॉप पर निकल जाएगी, और यहाँ से आप प्रोडक्ट निकालोगे. इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन दिखाई हुई, कैटलिस्ट आप किस तरह यूज़ करोगे, ये कैटलिस्ट पैलेट किस तरह यूज़ होंगे, और ट्यूब्स वाल किस तरह बनी होंगी, ये इस तरह ट्यूब वाल कन्फिगेशन होगी. तो ये आपके पास ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं. तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.